भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ईपीएस 95 के 75 पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के खिलाफ रामलीला मैदान में अनशन शुरू किया। प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के वादों के बावजूद देरी के खिलाफ आंदोलन के लिए देश भर में राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी का दौरा किया। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक रावत ने श्रम एवं रोजगार मंत्री को कई पत्र लिखे थे, लेकिन रावत की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अशोक रावत ने कहा, भारत सरकार अन्य पेंशन योजनाओं को सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हायर पेंशन के मामले में, उसे लागू किया जाए और जो लोग स्कीम में नहीं आते उनको स्कीम में लाया जाए, ताकि ये पेंशन फंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फंड बने। तो ये चार मांगे लेके हम चल रहे हैं। अब इसके दौरान हमने 6 साल से हमारा संघर्ष है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की, आधे आधे घंटे चर्चा की। उन्होंने दोनों बार हमें आश्वासित किया कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और मैं ये करूँगा। अब मुद्दा जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं। तो हर महीने अगर पेंशन के लिए कोई पैसे भरता है, पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं। इतना पैसा हर महीने भरने के बाद इन लोगों की औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है। अब 1171 रुपये में ज़िंदगी भर पेंशन पैसे भरने के बाद 1171 रुपये में दो आदमी ने कैसे जीना है? उनकी मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी? वृद्धावस्था में वो कहाँ जाएगा? और कारणों से पेंशनरों में गुस्सा चरम पर है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। एनएसी की 4 सूत्रीय मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, इसीलिए 17 और 18 अप्रैल को शिरडी की CWC बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। हमारे सदस्य की मृत्यु चिंता का विश्व जुलाई 2022 को हुए CBT बैठक में हमारी मांगों के संदर्भ में कुछ नहीं हुआ है। CBT कोई गंभीर प्रस्ताव नहीं भेज रहा है और हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। NAC प्रमुख अशोक रावत ने 8 अगस्त को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। NAC के प्रमुख कमांडर अशोक रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, EPFO पेंशन भोगियों के खिलाफ चाल चलकर CBT सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हेमा मालिनी की अगुवाई में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, लेकिन 70 लाख वृद्ध पेंशनरों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। बुलढाणा महाराष्ट्र स्थित NAC मुख्यालय में 24 दिसंबर 2018 से महिलाओं सहित सैकड़ों वृद्धावस्था पेंशन भोगी चैन भूख हड़ताल पर है। वह आंदोलन का 1323वां दिन है। यह खेदजनक और निराशाजनक है कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2 बार पूर्व में किए गए वादे अभी तक श्रम मंत्रालय द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। हम तुम्हारा आंदोलन